सर श्री द्वारा विशेष संदेश योर पाथ टू प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख मुक्ति की अवस्था है। ये शब्द किसने कहे? ये शब्द जिसने कहे, जिस शरीर से आए, उन्हें हम बुद्ध, भगवान बुद्ध करके जानते हैं, मानते हैं। बुद्ध एक अवस्था है, शरीर नहीं है। यह जब पक्का होता है, पता चलता है, तब बुद्ध की तरफ हमारा देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। हम स्टैचूज देखेंगे, बुद्ध के स्टैचूज, मूर्तियां देखेंगे, तो हम उसके परे उस अवस्था को जानने का प्रयास करेंगे। लोग मानते तो है, मगर जानने वाली बात, बुद्ध की शिक्षाओं वाली बात जब पूछी जाती है तो बहुत कम लोग बता पाते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन में चार आर्य सत्य आए। पहला, दुख है। चारों तरफ इंसान देखे, देखना छोड़ देगा तो अगला कदम नहीं आएगा। चारों तरफ दुख फैला हुआ है। दुख को जानना अति आवश्यक है, संवेदनशीलता बढ़ाना आवश्यक है। पक्षी के दो पंख बताए, एक है संवेदनशीलता, एक है प्रज्ञा। दोनों पंख मजबूत होंगे तो पक्षी ऊंची उड़ान भरेगा। एक पंख मजबूत है और एक कमजोर है तो पक्षी गिर जाएगा, उड़ान नहीं भर सकता। तो संवेदनशीलता चाहिए और साथ में प्रज्ञा, यानी दुख हम महसूस भी करें मगर समझ भी हो। समझ ना हो, खाली दुख महसूस करें और ज्यादा परेशान, उससे अच्छा कि संवेदनशील नहीं हुए होते। तो संवेदनशीलता बढ़ानी है तो प्रज्ञा भी जगानी है। दोनों को साथ में लेकर चलने की बात की, मध्यम मार्ग में चलना है, दोनों का सहारा लेना है। संवेदनशीलता बढ़ानी है दुख के प्रति, कि दुख को जानो तो सही, जानोगे तो बाहर आओगे, देखा ही नहीं तो कैसे बाहर आओगे। दुख को देखा ही नहीं तो बाहर नहीं आ सकते, तो दुख को देखो, वरना दुख की आदत पड़ जाएगी, उसमें रहने की आदत पड़ जाएगी। तंग कपड़े है, जूता खा रहा है पांव को, तो भी वही पहन के लोग चलते रहते क्योंकि फैशनेबल लगता है, तो वो संवेदनशीलता खत्म हो जाती। कान छिल रहे हैं मगर गहने हैं, सोना है तो सोया रहता है, जब जागता है अरे ये दुख दे रहा है, सोना है तो क्या हुआ, वो तो दुख दे रहा है, इसकी आदत क्यों पड़े। तो बुद्ध ने बताया कि दुख की आदत पड़ जाती है। एक जोशी ने एक इंसान को कहा हाथ देख कर के, 5 साल तक तुम्हारे जीवन में बहुत दुख है। इंसान ने पूछा, अरे फिर उसके बाद क्या? फिर उसके बाद तुम्हें आदत पड़ जाएगी। तो इंसान को भी आदत पड़ गई है, दुख को देखना बंद कर दिया है, आदत पड़ गई है, कभी निकलता ही नहीं। जो लोग दुख को पूरा देख लेते हैं वो भागते, उससे बाहर आते। जो लोग दुख को देख ही नहीं पाते वो दुख में ही रहते हैं। अब कोई कहेगा दुख है, इससे क्या मुझे फायदा हो सकता है? ये आर्य सत्य कहा, अनार्य सत्य नहीं कहा, अनाड़ी सत्य नहीं कहा, आर्य सत्य। तो दुख है, इससे ये सुनकर हमें क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, मगर बहुत कुछ हो सकता अगर दुख को हम पूरा देखें, पूरा सहें, पूरा जिएं, भागे नहीं, तो हम कौन से दुख भोग रहे। और सभी दुखों से मुक्त होना है तो क्या करना चाहिए? चार आर्य सत्य बहुत क्लियर हो, साफ हो। तो दूसरा आर्य सत्य आता है, दूसरा आर्य सत्य क्या? दुख का कारण है, ऐसे ही दुख नहीं आता। दुख का कारण बुद्ध ने क्या बताया? यहां तो आप सुनते हो मान्यताएं,
सब मान्यताओं का खेल है। बुद्ध ने क्या बताया कि तृष्णा है दुख का कारण। तृष्णा, तृष्णा अग्नि, यानी इच्छाएं जगती है, इच्छाओं के साथ चिपकाव होता है, हम उसमें उलझ जाते हैं। इच्छा पूरी नहीं हुई तो भी दुख है, इच्छा पूरी हुई तो भी दुख है, दोनों तरफ दुख है। इच्छा कैसी है? दोनों तरफ दुख है। आप कहेंगे दोनों तरफ कहाँ, इच्छा पूरी है तो दुख नहीं होता, मगर दुख ही है। जो दुख को देख लेगा उसको समझ में आएगा, इच्छा पूरी हुई तो नई इच्छा जगती है, नई चाहत, और चाहते जगती रही तो चाहत की आदत बढ़ जाती है। इच्छा की आदत, यही तो बंधनों का कारण है। इच्छाओं की आदत पड़ गई तो अब हद हो गई, अब पर्सन बैठ ही नहीं पाएगा। चुपचाप बैठने को कहा गया, बैठ ही नहीं पाएगा। फिर इच्छा जगेगी, ये करूं वो करूं, बैठ ही नहीं पाएगा। एक पूरी करेगा, दूसरी जग गई, इच्छा पूरी होने का आनंद भी नहीं ले पाएगा, उसके पहले ही दूसरी जग गई है, उसमें लग पड़ा। कहां अंत है? अनंत इच्छाएं जग रही है, और पूरी होने के बाद इच्छा की आदत, और ये आदत चैन से बैठने नहीं देगी। संतुष्टि कभी मिली नहीं, दुख ही लाई। इच्छा पूरी होने के बाद भी दुख ही, और इच्छा पूरी होने के बाद श्रेय भी लेता है ना मन, आई डिड इट, मैंने किया। मजाक है, चार लोगों को जाकर बताएगा ये मैंने किया, लोग तारीफ करेंगे, अहंकार बढ़ेगा। अरे दुखी, इच्छा पूरी होने से भी दुखी तो बढ़ रहा है। सूक्ष्म जो देखेगा, सूक्ष्म इच्छाओं को पकड़ेगा, अरे ये दुख ही तो क्रिएट कर रही है। पूरी होने के बाद भी दुख है, पूरी नहीं हुई तो भी दुख है, पूरी नहीं हुई तो निराशा है, व्याकुलता है, रोना आ रहा है, गिल्ट आ रहा है, क्यों नहीं कर पाया मैं, ऐसा क्यों हूं, तो दुख ही दुख, दुख ही दुख। पूरी करके भी ये तो दोधारी तलवार हो गई, इच्छा तो दोधारी तलवार हो गई, दोनों तरफ काटती है, पूरी हुई तो भी काटती है, पूरी नहीं हुई तो भी काटती है। अरे कैसा दुख चक्र है, ये दुख का कारण है। गम ही है, ज्यादा है और कम है, मगर है गम ही है, दोनों तरफ गम ही है, कभी ज्यादा कभी कम है, क्योंकि दोधारी तलवार है इच्छा, इससे दुख ही मिलने वाला है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। तो ये दुख चक्र शुरू हो गया, दुख की आदत पड़ गई, यानी दुख चक्र शुरू हो गया। धर्म चक्र में परिवर्तन करना है तो कुछ काम करना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा, जिस तरह का इंसान है उसको वैसा उपाय बताना पड़ेगा। मैं चार आर्य सत्य तो जानने पड़ेंगे, कोई भी पर्सन हो उसको कहा गया चार आर्य सत्य तो जानने हैं, फिर उपाय शुरू करेंगे। ये दुख का कारण है, दुख का कारण संस्कार जो शरीर में बंध गए हैं, जो आदतें वृत्तियां टेंडेंसीज बंध गए हैं, ये दुख क्रिएट कर रहे हैं। ये दिख रहा है सामने, ये संस्कार बंधन का कारण, ये बेहोशी बंधन का कारण, तो दुख का कारण है, और तृष्णा दुख का कारण है, और सूक्ष्म की तृष्णा के साथ आसक्ति, आसक्ति होती तो दुख होता है, वरना अपने आप में इच्छा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, उसके साथ इच्छा है। हैप्पी थॉट मेडिटेशन क्या है, कुछ समय आपको इच्छा रहित रखा जाता है, कुछ समय अभी कब मेरी कोई इच्छा नहीं है, धरती हिल जाए नो प्रॉब्लम, लाइट बंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं, इस वक्त तुमको आंख बंद करके सारी रात बिठाया जाए, बढ़िया है, जो भी कहा तो आप कहते कि कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या हुआ उसमें, थोड़ी देर के लिए आप इच्छा रहित हो गए कि क्या भी हो जाए, पृथ्वी पर शरीर की मृत्यु हो जाए, इतना समय तो हम इच्छा रहित हो ही सकते, 10 मिनट 15 मिनट तो हम हो ही सकते, तो इच्छा रहित होकर जीना शुरू कर पाएंगे। इसलिए कहा हैप्पी थॉट मेडिटेशन, यानी शुभ इच्छा ध्यान, शुभ इच्छा यानी सभी इच्छाओं से मुक्त होने की इच्छा,
सभी इच्छाओं से मुक्त होने की इच्छा शुभ इच्छा। दुख का कारण है, और सिर्फ कारण ही होता, निवारण नहीं होता, तीसरा आर्य सत्य नहीं होता तो क्या फायदा होता। तो निवारण है, इसकी सॉल्यूशन है। इसके लिए देखना है कि दुख का दुख ही दुख है, दुख का दुख ही दुख है। दुख आया तो इच्छा आई कि ये दुख नहीं आना चाहिए, दुख आया तो दुख शुरू होता है, मुझे दुख क्यों होता है, चिंता आती है तो ये चिंता होती है कि मुझे चिंता क्यों होती है। तो पहले समझें कि ये दुख का दुख दुख है। दुख से बाहर आने के लिए पहली चाहत खत्म हो, चाहत की चाहत खत्म हो। समय बर्बाद किया किसी काम में, पता नहीं था तो पछताता है इंसान, मैंने समय क्यों बर्बाद किया, पछताने में एक घंटा और गवाता, फिर बाद में इस बात पर पछताता है कि मैंने पछताने पर भी समय बर्बाद किया। कैसा मूर्ख हूं, मेरे को साइकिल चल ही रही है, पछताने की साइकिल चल ही रही है, दुख का दुख चल ही रहा है। तो पहले दुख का दुख बंद हो, चिंता की चिंता बंद हो। अच्छा है ना, एक्सेप्ट इट, स्वीकार करो, हाँ ऐसा है, समय बर्बाद हुआ है, ठीक है, पछताया है, ठीक है। पहले जहां पर हो जैसे हो अपने आप को स्वीकार कर लो। स्वीकार शुरू करेंगे तो आगे की बात होगी, नहीं तो वहीं अटके रहेंगे, उसी लोक चक्र में, तृष्णा के चक्र में उलझे रहेंगे, धर्म चक्र शुरू नहीं होगा। चौथा आर्य सत्य यही बताया गया कि दुख मुक्ति की अवस्था है, उस अवस्था को समझना है। चौथा आर्य सत्य नहीं होता तो क्या होता, अवस्था ही नहीं होती तो कैसे आप चलते। अवस्था यानी लक्ष्य, कहाँ आपको पहुँचना है, यही नहीं दिखाई दे तो आप यात्रा कैसे शुरू करोगे। तो चारों आर्य सत्यों को इकट्ठा लिया जाएगा तो ही कोई लाभ ले सकता है। जो लोग बुद्ध को दुखवादी कहते हैं, ऐसे लोग हैं, हाँ बुद्ध है, अच्छा है, अवतार है, महापुरुष है, महात्मा है, मगर दुखवादी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ पहले आर्य सत्य को पकड़ लिया, बाकी जाना ही नहीं। जानना है तो पूरा जानना है, वरना अधूरा ज्ञान लेकर हम बाहर से तो आदर करते रहते हैं मगर अंदर से हम कोई आज्ञा का पालन नहीं करते, तो वह आदर कहाँ हुआ। तो सचमुच आदर है तो पूरी शिक्षाओं को हमें समझना है। चौथा आर्य सत्य मंजिल, मंजिल से शुरुआत हो, इस तरह शुरुआत हो कि हम मंजिल पर ही हैं, उस अवस्था में ही हैं, मगर बीच में पर्दा है अज्ञान का। अज्ञान जो सुचवाए कम है, तेज ज्ञान जो सुचवाए उसमें दम है। दुख मुक्त हुई अवस्था है, यानी निवारण हो जाता है जब तब। कैसी अवस्था आती है, ऐसी अवस्था भी है, रोग है, रोग का कारण है, निवारण है, स्वास्थ्य की अवस्था है, स्व में अस्तित्व होने की अवस्था है, स्थित हो गए स्व में, स्टेबलाइज हो गए, ऐसी अवस्था भी है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।